जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना रामकोला में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक गाड़ी से किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में देखे गए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने वहां पर बैरियर लगाकर चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया था। माघी मठिया पुल के पास में एक पुलिस को गाड़ी दिखती है जो वहां पर जा रही थी। पुलिस द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इसमें तीन व्यक्तियों को गोली लगी है, जिनके नाम मुकद्दस अली, जाफर अली और जाहिद अली हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम समीउद्दुल है। इनकी पहचान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पंखिया गैंग से संबंधित है, जो बदायूं और कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में लगातार आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कई चोरियों की घटनाएं कारित की हैं। इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, चोरी करने के विभिन्न औजार, 1,26,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 12 लाख मूल्य के से अधिक के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से 4 अदद तमंचे, कारतूस, मोबाइल फोन और विभिन्न उपकरण बरामद किए गए हैं। इस सफलता के क्रम में मेरे द्वारा इस पूरी टीम को 25,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की गई है। आदरणीय आईजी महोदय के द्वारा भी इस पूरी टीम को 50,000 रुपये की घोषणा की गई है। इनके विस्तृत आपराधिक इतिहास के लिए विभिन्न प्रदेशों की पुलिस को सूचित किया गया है। इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।